हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सी एन सी कैट के। हम दोस्तों आज के इस सॉलिड वर्क के ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि फ्री फॉर्म कमांड क्या होती है और ये कैसे काम करती है। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि डॉम कमांड क्या होती है और ये इसके थ्रू हमने ये बॉडी बनाई थी, बट अभी फ्री फॉर्म कमांड देखेंगे। अगर किसी सरफेस को, मान लो इस सरफेस को आपको उभरा हुआ बनाना है या किसी और शेप देनी है, या अंदर जैसे टीन शेड होती है उस टाइप का कुछ करना है, तो इसकी मदद से इजीली कर सकते हैं। बाकी दिक्कत होती है और इसका फ्री फॉर्म की हम जब सरफेस पढ़ेंगे आने वाले लेक्चरों में, अभी हम ओनली फीचर में पढ़ रहे हैं, सरफेस भी पढ़ेंगे, शीट मेटल भी पढ़ेंगे, तो सरफेस जब कमांड पढ़ेंगे तो सरफेस में मैं और अच्छे से इसमें बताऊंगा, बट अभी वो किस तरीके से अलग से करते हैं, बट अभी यहाँ पे फ्री फॉर्म देख लीजिए। तो अब तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों सबसे पहले मैं इंसर्ट में जाऊंगा, इंसर्ट में जाने के बाद फ्री फॉर्म यहाँ से फीचर में जाकर सेलेक्ट कर लूँगा। और ये देख लीजिए, यहाँ से फ्री फॉर्म ले लिया और यहाँ पर पूछ रहा फेस सेटिंग, यानी किस फेस पे आपको करना है वो वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ये डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन दे सकते हैं किधर भी अगर आपको देने से। मान लीजिए मैं फेस यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया तो ये इस तरीके का फेस दिखाएगा। अब ये डायरेक्शन अगर क्लिक कर लेंगे तो दोनों डायरेक्शन दिखाएगा, जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से ये डायरेक्शन, उस तरीके से ये दोनों साइड है। अगर टिक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है कोई पॉइंट यानी कर्व आपको ऐड करना, तो कैसे करेंगे ये देख लीजिए। यहाँ पर ऐड कर्व करेंगे तो यहाँ पे ये कर्व हो जाएगा। ये लाइन यहाँ पे ऐड कर दी मैंने, एक ये और एक ये, ठीक है, ये कर्व हो गया ऐड। और ऐसी फ्लिप डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज करनी है तो यहाँ से करके एक यहाँ पे मान लीजिए कर लिया और एक मैंने यहाँ पे, ये दो लाइन यहाँ पे ले ली। इसके बाद पॉइंट ऐड पॉइंट करेंगे तो यानी कि जैसे यहाँ पे मान लो पॉइंट ऐड कर दिया, ये तीन पॉइंट आ गए, इस लाइन पे पॉइंट ऐड कर दिए और इधर कर दिए, इसका भी जैसा, और इस साइड लाइन पे पॉइंट ऐड कर दिए, इस लाइन पे पॉइंट ऐड कर दिए और इस पे ऐड, ओके। ठीक है दोस्तों, ये इतना हम कर देंगे। बाकी ये कर्व आपको दिख रहा है, ये कर्व में करना कन्वर्ट या सरफेस में कैसे, वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये इसका फेस की ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, अगर आप बढ़ाना चाहते तो देख बैकग्राउंड का नीचे का वो दिखने लगेगा, ठीक है, किस तरीके से आप बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से बढ़ा सकते हैं। देखिए अब अंदर का दिखने लगा, अभी मैं इसे जीरो करूँगा तो पीछे का ये देखिए अब नहीं दिख रहा। तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए है। और ये मैश का प्रीव्यू है, यानी कि जो प्रीव्यू ये दिख रहा है उस तरीके से, ये जो है इसका कर्वेचर है शीट का, अगर आपको कर्व में रखना है या सरफेस में रखना है ये इस तरीके से कर सकते हैं, और इसे चेंज भी कर सकते हैं इसका भी, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, मान लीजिए मैं इसे सरफेस पर रख लेता हूँ, ठीक है, सरफेस पर रहने देना। अब मैं ये पॉइंट जैसे ये हैं इस पर डबल करके डबल क्लिक करूँगा, ये ड्रैग करना, मैं उन्हें ऊपर को इसे उठाना है, मान लीजिए सरफेस थोड़ा सा ये ऊपर, ये नीचे जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये कंट्रोल जेड करूँगा ज़्यादा हो गया, ठीक है, इसे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसे हम यहाँ पर कम करेंगे थोड़ा सा, यहाँ से भी इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये उधर दोनों साइड निकल चुका है। ये थोड़ा डाउन कर लो, मैं ओके करता हूँ, सरफेस ओके, वो ज़्यादा हो गया इसलिए स्लो हो रहा है, ठीक है, इसे मैं करता हूँ कम। ये बन चुका है, ठीक है, कन्वर्ट हो गया, बट ये बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए ये येलो दिखा रहा, तो मैं इसको अंडू कर लेता हूँ और दोबारा से इस पर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और मैं दोबारा से ये फेस मेरा हो ही चुका है, ठीक है, और इसे मैं अभी फिर दोबारा से इसकी कमांड ले लेता हूँ, कर्व का वहाँ का फीचर, फीचर में जो है फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म कमांड ले ली, फेस सेलेक्ट, ठीक है, ऐड कर्व, मान लीजिए ये कर्व ऐड कर लिया और ये ऐड कर लिया, डायरेक्शन फ्लिप ये ले लिया और ये ले लिया, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। ऐड पॉइंट, इस पे पॉइंट ऐड, इस पे पॉइंट ऐड कर दिए, इस पे पॉइंट ऐड कर दिए,
और इस पे पॉइंट ऐड कर दिए। फ्रैक्शन वगैरह यहाँ से कर सकते हैं, ओके ठीक है। बाकी नीचे बताएं, जैसे ये पॉइंट है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा हम उठा लेते हैं हल्का सा, ठीक है ये हो गया। या इस पॉइंट पे आपको करना है तो इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लीजिए, डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्सी शो करेगा, ये ऊपर कर लीजिए थोड़ा सा ठीक है। या इस कॉर्नर पे करना है तो इसे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को इसे नॉर्मल कर लीजिए, तो इसे टेंजेंट कर लीजिए, ये देख लीजिए ओके। तो इसको हम ओके करेंगे, ये देखिए ये तो सरफेस चेंज हो गया और इसे ये नीचे निकल गया, थोड़ा नीचे ज़्यादा हो गया। अगर इसे ऊपर भी आप करना चाहते हैं तो इसको ऊपर भी कर सकते हैं। इस मान लो इस पॉइंट को आप कम करना चाहते हैं, इधर इधर ये देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया, ये पूरा ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ये थोड़ा डायरेक्शन चेंज आराम से कर सकते हैं ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके ये कर सकते हैं, ये सेलेक्ट कर लीजिए पॉइंट यहाँ तक ले लीजिए, ये देखिए ये देखिए ये यहाँ से ले लें, ये देखिए इस तरीके से दोस्तों ये फ्री फॉर्म कमांड का हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए इसका सरफेस उभर गया, ये इस तरीके से अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये इधर भी निकल गया, ये अपने हिसाब से सेट कर लेना, जैसे भी आपको अच्छा लगा उस तरीके से सेट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय।